सो हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉक्स। आज की वीडियो में एक्टिव एसएमजी के बारे में बात करने वाले, तो थोड़े से इसके शॉर्ट्स देख लो और थोड़ा म्यूजिक एंजॉय कर लो। मैं आपको आगे चीजें बताता हूँ इस वीडियो में। Type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. तो गाइस सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि डिज़ाइन में चेंज हो चुका है इसका बिल्कुल, और डिज़ाइन में चेंज आने वाला है एक्टिवा 6G जो थी उससे अलग होने वाली एक्टिवा 7G देखने में। स्पोर्ट एडिशन ही जो नॉर्मल एडिशन है उसकी बात कर रहे हैं अपन। सब उसका ही रीज़न है कि जो अभी इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर भी नया डिज़ाइन आया स्कूटीज़ का, तो अब यही है कि वो फॉलो करेगा इंडियन मार्केट में भी होंडा। और आपको पता ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का किस तरह से डिज़ाइन आ रहा है, तो उस हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा होंडा। पीछे देख सकते हो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाएंगे हायर एंड मॉडल में, और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एडिशन आएगा उसमें सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा आपको। पीछे का टेल लैंप की डिज़ाइन भी चेक कर सकते हो, चेंज हो चुकी है बिल्कुल। कमेंट करके ज़रूर बताना पुरानी डिज़ाइन अच्छी थी या नई डिज़ाइन अच्छी लगती है। ये जो पीछे पकड़ने का होता है वो भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। सामने से हेडलैम्प का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, इंडिकेटर्स का चेंज हो जाएगा, और DRL का चेंज हो जाएगा। अलॉय व्हील्स नॉर्मल और स्टैंडर्ड, और इसके बाद जो अपग्रेडेड वर्जन होगा दोनों में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ डिस्क ब्रेक्स आगे पीछे मिलेंगे, जो आपका टॉप एंड मॉडल होगा उसमें, और स्टैंडर्ड वेरिएंट में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक्स पीछे की ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ एग्जॉस्ट का देख सकते हो डिजाइन चेंज हो जाएगा। इसी के साथ व्हाइट कलर में इस वीडियो में देख ही लिया। प्राइस की बात करें अराउंड 95,000 के आसपास इसकी प्राइस होने वाली है, और जो इसकी लॉन्च डेट है 2022 के एंड तक लॉन्च हो जाएगी। और जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो फुल्ली डिजिटल मिल जाएगा। स्विचेस की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी और डिजाइन चेंज हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा लग रहा है पर्सनली मुझे। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि बारिश में खराब हो जाते हैं स्विचेस, तो होपफुली होंडा ने उसे भी सही कर लिया होगा। होंडा का कीलेस फीचर मिल जाएगा, जैसे गाड़ियों में आप स्टार्ट कर लेते हो मतलब दूर से अनलॉक हो जाती है, उसी तरह से आप बटन के थ्रू अनलॉक कर सकते हो बिना चाबी लगाए। यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इसी तरह की वीडियो देखने इन चारों में से कोई भी एक वीडियो को देख लेना। बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अब अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस आप सबको इस वीडियो के लिए।